अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश के मांगोट टुलेन पर स्थित ग्राम कदोड़ कला में मार्ग निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था नहीं से इंद्रावल मार्ग पर निवास करने वाले ग्रामीणों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है। ग्रामीण लंबे समय से जनप्रतिनिधियों प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को आवेदन देकर इंद्रावल मार्ग पर पहुंचे जल भराव के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत करा चुके हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की, जिससे ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गत दिनों उक्त मार्ग पर स्थित एक गरीब परिवार के बालक की मृत्यु हो जाने पर अंतिम क्रिया के लिए उसे जल भराव वाले क्षेत्र से अर्थी की बजाय हाथ में उठाकर गुजरना पड़ा था, जो कि संपूर्ण मानव समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। लंबे समय से अपनी मांगे नहीं मानी जाने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्राम कदोड़ में आपदी से लगे इंद्रावल सड़क पर जल निकासी नहीं होने की समस्या को लेकर 30 ग्रामीणों ने रविवार से अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन की शुरुआत कर दी। लोग समस्या को लेकर पिछले कई सालों से परेशान हैं। अभी भी समस्या लगभग 3 माह से विकराल है। करीब 7 फीट गहरा, 45 फीट चौड़ाई और 250 फीट लंबाई में एक छोटे तालाब से स्थिति पानी भर जाने से निर्मित होती है। इस रास्ते पर गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं, जिनका ऐसी स्थिति में रहना मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने गांव आने के लिए इंद्रावल, बिड़वाल, रानीपुरा होकर कदोड़ आना पड़ता है। स्थानीय लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आंदोलनकारियों का संकल्प है कि जब तक समस्या का स्थायी हल नहीं होता, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। यह जो पानी भरा हुआ है, यह कब से भरा हुआ है और अभी तक आपने इस पर कुछ प्रक्रिया की है या कुछ नहीं? यह पानी जब से बारिश शुरू हुई है तभी से भरा हुआ है। इसके लिए हमने किसी भी स्तर के अधिकारी को नहीं छोड़ा है कि जहां हमने ज्ञापन नहीं दिया है। कलेक्टर, मुख्यमंत्री, PWD, सरपंच, नीचे से लगा के ऊपर तक हमने सारे प्रयास कर लिए हैं। इस पानी की वजह से, भरा होने की वजह से अभी गत दिनों पूर्व एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई। यहां पास के हमारे आदिवासी मित्र, उनके लड़के का समय पर इलाज न मिलने की वजह से दुखद देहांत हो गया। हमें खुद को इतना बुरा लगा कि इतना बड़ा गांव होकर, इतने जनप्रतिनिधि, इतने सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग होकर भी इस छोटी सी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी, सभी स्तर पर हमने सारे प्रयास कर लिए, अब हमें व्यथित होकर आज यहाँ क्रमिक हड़ताल और चरणबद्ध आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है, इसका हमें खेद है। पर जब तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ आकर इस समस्या का निराकरण करने का ठोस आश्वासन, और आश्वासन तो क्या, हम तो बहुत समय से आश्वासन सुनते ही आ रहे हैं, झेलते ही आ रहे हैं, जब तक इसका कोई ठोस उपाय हमें नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। आपका नाम? जितेंद्र धाकड़, मैं अब ग्रामवासी हूँ। ये क्यों हो रहा है? ये जो ग्रामीण है यहाँ पर, ये इंद्रावल रोड जहाँ पर 30 से 40 घरों की बस्ती है, और इस पूरे रोड पर घुटनों से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है, और इस विषय में लोग कई बार परेशान हो चुके हैं। यहाँ पर तहसील कार्यालय में और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, PWD मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को, जितने भी तमाम कार्यालय है जहाँ पर ये समस्या हल हो सके वहाँ पर अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का सही रूप से निराकरण नहीं होने की वजह से ये सभी ग्रामीण त्रस्त होकर, परेशान होकर ये क्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चों को और यहाँ पर आने जाने वाहने जो वाहन हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरी बरसात यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है, तो इसका कोई स्थायी समाधान प्रशासन की तरफ से निकाला जाए ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या हल हो सके। आपका जो आंदोलन चल रहा है ये कितने दिनों से चलेगा? अभी ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है, जब तक इस समस्या का कोई स्थायी निराकरण नहीं होगा जब तक ये चलेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।